यूपी के हापुर में कथित गौरक्षकों ने जिस व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी थी, उसके परिवार वालों ने दिल्ली आकर अपने लिए इंसाफ मांगा। उधर यूपी पुलिस ने इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। गो न्यूज संवाददाता नमिता सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को यूपी के हापुर में गौरक्षा के नाम पर एक और हिंसा का मामला सामने आया। इस हिंसा में कासिम और समयुद्दीन इसके शिकार हो गए। कासिम की इसमें मौत हो गई, समयुद्दीन की हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें कासिम और समयुद्दीन के परिवार वाले भी मौजूद थे और उन्होंने ये बात बताई कि आखिर इस पूरे मामले में समयुद्दीन और कासिम कैसे शामिल हुए। हमने इन लोगों से बात की। क्या हुआ था उस दिन, किस हालात में उनको कासिम जी को बुलाया गया था? बुलाया था, उन्हें घर से बुलाया था। ये 12 बजे का टाइम हो रहा था करीबन, और बुलाकर उनकी मारपीट की बहुत ज़्यादा। हमें 3:30 बजे 3 बजे पता लगी, तो हम थाने गए। थाने से हमें पता लगी, अस्पताल गए। हम अस्पताल में वो मर चुके थे जब तक हम गए थे। अच्छा, तो क्या मामले में आपकी तरफ से कोई FIR दर्ज की गई है? जी, अभी कोई FIR दर्ज नहीं की गई हमारी तरफ से, इनकी तरफ से FIR दर्ज है। हमारा मेरा भाई उसमें चश्मुद्दीन गवाह है बड़ा। ये जो केस है तकरीबन 12-1 बजे का केस है, और हमें 5:45 बजे तक पता नहीं है कि हमारा भाई कहाँ है और किस हालत में है। अच्छा, तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है, पुलिस ने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया है, और हमसे कहा गया है कि उसमें 302 और 307 लगा दी है। हम भी ये चाहते थे कि किसी ऐसे जज्बाती मसले से ये दूर रहे और ऐसा कुछ मतलब ना हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि उन्होंने, ये जो भीड़ है इसने अपने आप ही क्या नाम उसका वीडियो बनाई है और वायरल की हैं, क्योंकि उसमें और गाय बछड़े का मतलब जिक्र है और उसी के मतलब लिए मतलब ये है, तो मजबूरन हमें भी ये कहना पड़ रहा है कि ये रोड रेज का वो नहीं है और ये उसका है, वरना हम भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा इमोशनल मसला बन जाए ये, जिससे दोनों समुदाय मतलब कुछ वो हो जाए। समयुद्दीन की हालत अभी भी सही नहीं है, वो उसमें ICU में है और सांस लेने में भी दिक्कत है, बोलने में तो है ही है दिक्कत, और गुर्दे भी डिफेक्टेड हैं, और चोट चूँकि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ चोट ना हो, एक हाथ और एक टांग तो फ्रैक्चर्ड भी है जो हो रहा है, और वो जो फेफड़ा जो है उसमें खून जमा हुआ है जब हमें डॉक्टर ने बताया है। इस हिसाब को देखते हुए अच्छी पोजिशन नहीं है। देखिए, फंसे नहीं हैं, बल्कि उनको बाकायदा प्लान करके टारगेट किया गया है। जो घटना हमको मालूम हुई है, पीड़ित जो मरने वाले शहीद हैं कासिम, उनके परिवार के लोगों से जो बात हमारी हुई है, और जो घायल हैं, जो अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है समीउद्दीन, उनसे हमारी डायरेक्ट बात हुई है, तो उससे मालूम होता है कि ये घटना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी जो मॉब वॉयलेंस है या मॉब लिंचिंग, जिस तरह से गाय के नाम पर और एक उसको बहुत ही इमोशनल और रिलीजियस इशू बनाकर एक टारगेट करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को गौ हिंसा का नहीं बल्कि एक रोड रेज का मामला कहा है, जबकि परिवार वालों का कहना है कि ये मामला गौ हिंसा से जुड़ा हुआ है और एक संगठित तरीके से समयुद्दीन और कासिम पर हमला किया गया था। उन्हें उम्मीद है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी उनकी बात सुनेगा, और अब वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ नमिता सिंह, गो न्यूज़।